बोलूं नहीं नहीं नमामि धन्वन्तरि वादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके दधतं मृतघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजने क्या आप जानते हैं आयुष दर्पण गूगल पर सर्वाधिक सर्च किया जाने वाला उच्च रेटिंग प्राप्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आयुष दर्पण ने आयुर्वेद के क्षेत्र में 6000 से अधिक वेबिनार्स आयोजित करने का रिकॉर्ड कायम किया है जो निरंतर जारी है। आयुष दर्पण का हिंदी वेब पोर्टल ayushdarpan.com एवं अंग्रेजी वेब पोर्टल ayushdarpan.org वर्ष 2010 से निरंतर आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों को अपडेट करता है। आयुष दर्पण के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप भी हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एवं ट्विटर पर फॉलो करें। यदि आप अपना विज्ञापन देकर स्वयं को डिजिटली ग्रो करना चाहते कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आप सभी को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में आप सभी का स्वागत है। वैद्य अरविंद पाठक जी का भी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ में वैद्य जी आपके पुणे से एमडी पीएचडी वैद्य डॉक्टर आशीष फड़के सर जुड़े हुए हैं। वैद्य जी आपका भी स्वागत है और आशीष फड़के सर का भी स्वागत है। दोनों पुणे के वैद्य का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस समय वैद्य अरविंद पाठक जी भी काफी समय बाद आज पधारे हैं और पाठक साहब याद आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। और डॉक्टर आशीष सर मेरे ये फ्रेंड है, फेसबुक पे फ्रेंड है और एक बहुत साल पहले डॉक्टर ये आयुर्वेद संध्याय संभाषा करके ग्रुप हुआ था फेसबुक पे, तब हम मैं आशीष सर से बात कर रहा था 2011-12-13 में। तो आशीष फड़के सर, ये जो संभाषा है क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा, इसके मॉडरेटर हेलो समय नहीं आ पा रहे थे और आज ही उनका यहाँ पर पदार्पण हुआ है। वैसे तो शाम के सब सत्र में वो आए थे जी। तो डॉक्टर आशीष सर कुछ बताएंगे आज, बहुत अच्छा अच्छा चीज बताएंगे। हाँ सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ ओके, धन्यवाद। सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम।
I just would like to make a small correction. I am from Mumbai and that token from Navi Mumbai. Okay. So aaj main ek common that way common that way uncommon aise jo method hai uske upar thodi si charcha karne ja raha hu and that is basically termed as Vidya Chikitsa and Agnikarma Chikitsa. Right? In Pune, in Maharashtra, it is quite known, but स्टिल कहीं जगह में आज भी इसके विधि के बारे में कई लोगों के मन में कई सारे प्रश्न होते हैं तो उसके ऊपर ही थोड़ी सी चर्चा हम करने जा रहे हैं. तो ये विद्या और अग्निकर्म चिकित्सा का जिक्र है जो मैंने फर्स्ट टाइम सुना और मैंने फर्स्ट टाइम देखा रादर क्योंकि हम सभी लोग कॉलेज डेज में वाइल राइटिंग अवर एग्जाम्स वी लर्न दिस एंड देन वी राइट डाउन इन द पेपर्स आंसर शीट्स एंड देन वी फॉरगेट. बट मेरा सौभाग्य था कि मैं लेट डॉक्टर आर बी गोप्टे सर जो पुणे के ही थे उनके संपर्क में आया. वो भी बैंगलोर में एक कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें बुलाया था. उसी कॉन्फ्रेंस में मुझे भी बुलाया था लेक्चर्स के लिए. तो वहाँ सर से पहले मुलाकात हुई और सर का ये अग्निकर्म और विद्याकर्म के ऊपर वर्कशॉप होने वाला था. तो उन्होंने कहा कि भाई आशीष आपको पता है आप ये यूज करते हो. मैं बोला नहीं सर इट इज माय प्रिविलेज कि आपके साथ में हूँ और देखने मिल रहा है तो मैं सीखना चाहता हूँ. तो सर बोले फिर क्यों नहीं तू ही मेरा डेमो बन जाता है डमी डमी पेशेंट बन जाता है तो आपके ऊपर ही मैं कर्म करूंगा. आपको भी एग्जैक्ट पोजिशन पता चलेगी और इस प्रकार से ये विद्या और अग्निकर्म के बारे में मेरी पहचान फर्स्ट टाइम वहाँ बैंगलोर में वो कॉन्फ्रेंस के दरमियान हुई. और बाद में फिर सर के पास नियमित रूप से जाना आना हुआ. उन्होंने अपने तरफ से लोह शलाका उन्होंने मुझे दे दी. अग्नि ये सुवर्ण शलाका उन्होंने बना के दी एंड बाद में सर के सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन में आज कई साल मतलब अभी आई थिंक ये 2004-2005 की बात है तो कई साल मैं ये पर्टिकुलर मेथड को क्लिनिक में यूज कर रहा हूँ. नाउ कमिंग डाउन टू मेन पार्ट कि ये किस में यूज होते हैं. तो जहाँ हम लोग को क्विक रिजल्ट चाहिए क्विक पेशेंट को चेंजेस दिखाने हैं भाई पेन थ्रेशोल्ड में कुछ चेंज इमीडिएट मिलता है कि नहीं मिलता है ऐसा जब भी प्रश्न आता है आयुर्वेद के चिकित्सा के द्वारा तो वहाँ एज अ सॉल्यूशन एज अ एक कॉन्फिडेंस बूस्टर अग्निकर्मा और विद्याकर्मा की बात हम कर सकते हैं. तो विद्याकर्मा में अपनी 22 नंबर की नीडल या 24 नंबर की नीडल हम लोग यूज करने के लिए कहते हैं एंड वो हॉलो नीडल रहती है एंड वो पर्टिकुलर स्पेस में पर्टिकुलर जगह में जो कि निर्धारित है मर्म के ऊपर और प्रमाण शरीर के ऊपर और जो कि निर्धारित है सुश्रुत संहिता के कुछ सूत्रों के ऊपर तो वो उसको आधार लेते हुए अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग इंडिकेशन के लिए जहाँ पेन है जहाँ और कोई प्रॉब्लम्स है जैसे फॉर एग्जांपल से फ्रोजन शोल्डर है या अवबाहुक है या कुरपर में प्रॉब्लम है यू नो सो अलग अलग जगह में वी कैन use this kind of विद्याकर्म. तो वहां हम लोग needle इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि usually when we do acupuncture तो acupuncture में देखा जाता है कि वो जो needle रहती है वो solid needle रहती है right and they keep that needle in that particular position for a little longer duration. Okay एक second हाँ तो ये बेसिकली चीज हम लोग देखते हैं एक्यूपंक्चर में. वेर एज इन विद्याकर्म हम लोग क्या करते हैं वो नीडल को डालते हैं और तुरंत निकालते हैं. तो ये एक मेन डिफरेंस है. अग्निकर्म में क्या करते हैं कि दो प्रकार का अग्निकर्म होता है. एक है डायरेक्ट एक है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मतलब आपने शलाका ली उसको गर्म किया. फॉर एग्जाम्पल ये शलाका है उसको आपने अग्नि के ऊपर गर्म किया और यही सिरा ये जो पार्ट है जो अग्नि के ऊपर गर्म किया है वही आपने डायरेक्ट पर्टिकुलर पार्ट को लगा दिया तो वो है डायरेक्ट अग्निकर्म. कई जगह महाराष्ट्र में आज इस प्रकार की विधि का यूज होते हुए दिखता है और उसका भी रिजल्ट अपना है. बट व्हेन यू डू इनडायरेक्ट मेथड एज टॉट बाय गोप्टे सर तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो जो शलाका है वो शलाका फोर्सेप में पकड़ाते हुए
उसकी जो हेड पोर्शन जो है, जो कि गोलाकार है, जो सुश्रुत संहिता में बताया है उस हिसाब से वो बनाया गया है, तो उसके विपरीत साइड में हम कैंडल से उसको गर्म करते हैं, एंड थ्रू दी कंडक्शन मेथड वो हीट ट्रांसफर हो जाती है सिरे की तरफ, एंड दैट पार्ट वी आर इन टचिंग टू दी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ पेशेंट स्किन। ओके, एंड पेशेंट को कहते हैं कि भाई जब आप उस तरफ का जो सीरा है, उस तरफ का जो पॉइंट है, जैसे वो गर्म होने जा रहा है, तो आप तुरंत हमें बताइए ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, एंड पेशेंट भी इमिजिएटली अकॉर्डिंगली बता देते हैं। तो अलग अलग जो पॉइंट्स उसमें हम लोग पढ़ाते दिखाते अकॉर्डिंगली, अगर हम अग्निकर्म वहां करें तो अगर पेन स्कोर हम लोग पेशेंट को पहले ले लेते हैं कि 0 to 10 पेन का स्कोर है, 10 मतलब 100%, 0 मतलब 0%, अगर पेशेंट कहता है कि भाई मैं 80% पेन में हूँ या 90% में हूँ, तो अग्निकर्म के इमीडिएट आफ्टर फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू सेकेंड्स पेशेंट सेज कि भाई देर इज अ रिडक्शन ऑफ 20% या रिडक्शन ऑफ 30%, तो ऐसा भी हमें रिजल्ट पाया जाता है, दिखता है। देन देर इज अनदर टाइप ऑफ अग्निकर्मा विच वी डू एज अ डायरेक्ट मेथड पर्टिकुलरली फॉर दी कदर, कदर मतलब कौन। ओके, सो ये कौन में जब हम अग्निकर्म करते हैं तो लोह की शलाका यूजुअली यूज होती है, और वो लोह की शलाका का जो सीरा है वो रेड हॉट गर्म किया जाता है, और वो पर्टिकुलर कौन के जो मूल है, जो पॉइंटर पार्ट है, उसमें हम उसको लगाते हैं, और पेशेंट को बोलते हैं कि जब तक आपको बिल्कुल पेन या बर्न हिटिंग सेंसेशन महसूस नहीं हो रहा है, तब तक आप इत्मीनान से रहो, बट जैसे आपको थोड़ा भी गर्म लगता है तो आप तुरंत हाथ से हम लोग को बताओ, मुंह से बताओ, हिलो मत, बिकॉज आप हिलेंगे तो इर्द गिर्द में वो लग जाएगी सला शलका और वहां बर्न हो जाएगा। तो जैसे वो कहता है तो वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू स्टॉप एट दैट मोमेंट। देन वी यूज एलोवेरा का पत्ता, उसका गुर्दा एक साइड की स्किन निकाल के वो गुर्दा रेडी रखते हैं, जैसे ही उनको गर्म लगना शुरू होता है तो उससे उसको दबा देते हैं, तो उसको वहाँ बर्न सेंसेशन नहीं लगता है, एंड देन वहाँ कोई घाव भी नहीं होता है, वहाँ कोई तकलीफ भी नहीं होती है, बट इट हैज टू बी डन वेरी केयरफुली, ऐसे खाली नहीं। कर्मा विद सुवर्ण शलाका, ये सुवर्ण की शलाका बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, जबकि अभी सुवर्ण का रेट जो है, गोल्ड का जो रेट है, अप्रोक्सीमेटली 1 तोला का अराउंड 60,000 के इर्द गिर्द है, तो काफी हद तक इसका शलाका निर्माण में खर्चा आता है। तो उसका एक ऐसा सोल्यूशन निकला कि भाई अगर शलाका का जो शाफ्ट है वो शाफ्ट हम अगर पंचलोह से बनाए या रजत से बनाए, एंड खाली जो ऊपर का सीरा है वो गोल्ड का बना है, तो खर्चे में काफी हद तक राहत मिल सकती है, एंड वी हैव ट्राइड दैट वे ऑल्सो, एंड उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। थोड़ी सी सावधानियां दोनों में अलग अलग लेनी पड़ती है, बिकॉज अगर कंप्लीट गोल्ड की शलाका है तो रुग्ण को बहुत ज्यादा वहाँ बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है या ज्यादा हीटिंग वहां नहीं होता है, अपने को समय मिलता है वहां काम करने के लिए, वेर एज इफ इट इज पंचलो है या पर्टिकुलरली ताम्रशलाका है तो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, देन कमिंग डाउन टू देर आर अदर टाइप्स ऑफ शलाका। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा कि कैल्केनियल्स कर स्पर करके जो वातकंटक जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं, तो उस प्रकार की जो कंडीशन है तो उसमें हम लोग कहते हैं भाई आप मृत्तिका शलाका, जो कि ये बारिश के मौसम में जो काली मिट्टी है उससे हम लोग बनाने के लिए बताते हैं, एंड वो बना के आप रख दीजिए, फिर आपको वो बाद में भी प्रयोग में लाने के लिए उपलब्ध होती है। समटाइम इवन दैट इज नॉट देयर, देन यू कैन मेक यूज ऑफ हल्दी का जो कांड है, तो हल्दी का हरिद्रा की शलाका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप की शलाका का वर्णन ग्रंथों में भी वर्णित है और हम लोग भी उसका प्रयोजन करते हैं। इसमें मैंने जैसे पहले कहा प्रमाण शरीर और मर्म, ये दो चीज हमें कुछ हद तक पता होनी चाहिए, तो जब भी हम लोग इसके वर्कशॉप लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट हाफ में थोड़ी जितनी एकदम इसेंशियल जानकारी उतनी थियरी बट श्लोक वगैरह नहीं, मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वहां बताते हैं, एंड देन रेस्ट ऑल पार्ट इज ओनली ऑन
वर्किंग ऑन पेशेंट, हैंड्स ऑन पेशेंट्स। तो हैंड्स ऑन पेशेंट में लगभग 20-25 पेशेंट अगर है उस समय में, तो हर एक पार्टिसिपेंट को, हर एक डेलीगेट को वहां काम करने की सुविधा मिलती है, प्रोवाइडेड ही परचेज दैट सुवर्ण शलाका जो पंचलो युक्त है, तो उस समय में वो शलाका के साथ ही काम कर सकता है। अगर कोई मिस्टेक है तो वी कैन रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स देयर एंड देयर इटसेल्फ, ताकि पेशेंट को भी तकलीफ ना हो और वैद्य या जो विद्यार्थी है उसको भी एक किस्म की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो कि भाई मैं बराबर कर रहा हूँ, उसमें कौन सा पॉइंट देना है और किस प्रकार से आगे जाना है, कितना डीप स्किन में जाना है, नहीं जाना है, ऑल दैट पॉइंट्स नीड्स टू बी डिस्कस। बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है, मैंने सुना भी है, मेरे कई सारे मित्र है उन्होंने भी बताया और वो भी कहते अपने प्रैक्टिस में या विद्यार्थियों के पास कि जहां सबसे ज्यादा पेन है उधर ही हम लोग देते, तो ठीक है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। बट अगर सुश्रुत संहिता में हमें ऐसे बिंदु उपलब्ध है कि जहां ये इन्होंने करने के लिए विधान दिया है, तो अगर हम विद और अग्निकर्मा वहां करें तो उसका जो रिजल्ट है मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतर मिलने का चांस है। तो क्यों नहीं हम लोग वो सीखे और उसके ऊपर काम करें। अच्छा, इसमें कई बार लोग पूछते हैं कि भाई ये अग्निकर्मा हम लोग जो डायरेक्ट देखे उसमें देखा गया है कि जैसे आपने वो सीरा गर्म कर दिया और तपा के टच किया स्किन को, तो वहां बर्न हो जाती है, वहां अग्नि दग्ध होता है और उसका यू नो लाइक यू हैव टू डू रेगुलर एवरीडे पट्टबंध बैंडेज वगैरह करना पड़ता है, राइट, व्रण चिकित्सा उसकी करनी पड़ती है। तो क्या ये इनडायरेक्ट मेथड में भी ऐसा होना संभव है? तो 99.99% इसमें ऐसा दग्ध वगैरह होने की चांसेस निग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। अगर को आपने बहुत एंथुजियाज्म में बहुत ज्यादा समय तक रख दिया या पेशेंट बहुत समझ नहीं पाई आपकी बात और वो सहन करते बैठा, तो हो सकता है थोड़ा सा स्कार्ड वहां आ सकता है। बट यूजुअली 99% केसेस में मैंने पाया है कि किसी को ऐसा दग्ध वगैरह नहीं पाया जाता है, ना कि स्कार होता है, ना कि कोई मार्क आता है, ना ही उधर कोई प्रॉब्लम होता है। रादर देयर इज अ बेनिफिट दैट यू कैन सी इमीडिएट डिप्लीशन ऑफ पेन थ्रेशोल्ड इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट। सो ये एक चीज है। बाकी और क्या सावधानी लेनी चाहिए सब चीज में? तो डेफिनेटली यू वी हैव टू क्रॉस चेक कि भाई पेशेंट अगर डायबिटिक है तो वी हैव टू बी मोर केयरफुल। अगर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो बेटर यू अवॉइड इट। बट समटाइम्स यू गेट पेशेंट्स दोज हू आर हैविंग यू नो एटियोलॉजी कमिंग फ्रॉम डायबिटीज, फॉर एग्जाम्पल प्लांटर फेसाइटिस ड्यू टू डायबिटीज, ओके, और स्कंदग्रह ड्यू टू डायबिटीज। तो उसमें डायबिटीज तो है और डायबिटीज के कारण ही इनको ये तकलीफ हो रही है, तो यू कांट अवॉइड सच पेशेंट, बट यू हैव टू बी मोर एक्स्ट्रा केयरफुल। एंड पर्टिकुलरली आप जब कदर की केस करते हो, मतलब कौन की केस करने जा रहे हो और विद डायरेक्ट अग्निकर्म टेक्निक, तो आई यूजुअली सजेस्ट कि भाई आप एक बार आपका यू नो फास्टिंग पीपी HbA1c आप करा लीजिए। एंड सेकेंडली यू शुड ऑल्सो आस्क देम टू टेक ऑन अ सेफर साइड टिटेनस टॉक्साइड, एक बार लेके आइए आप। होता कुछ नहीं है बट कुछ हो गया तो उसके बाद में वो पेशेंट ले ना ले, तो बेटर वे आप उनको इंसिस्ट करिए और प्रूफ लीजिए कि भाई उन्होंने लिया है, तो इट इज बेटर। आई थिंक somebody wants to ask some question. Dr. Harish wants to ask some question. Yes, please. You can unmute and ask your question. नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक दो मिनट को ये पूछना सर, डायबिटिक वाले में इसमें क्या एडवर्स इफेक्ट होगा सर जो हम उसको देख के चलेंगे ये हो सकता है? सॉरी वंस अगेन सर, आपने अभी कहा ना सर डायबिटिक पेशेंट में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने, सर इसमें क्या एडवर्स इफेक्ट ऐसा होगा सर? वन थिंग कि बाय फ्लू 1 in 1000 प्रोबेबिलिटी, अगर गलती से अपने बहुत इंथुजियाज्म में ज्यादा समय तक वो रखी शलाका, सुवर्ण शलाका की बात कर रहा हूँ मैं, या इवन कदर में डायरेक्ट नौ शलाका अपन तो डायरेक्ट करते उसमें, तो वहां अगर बर्न हो गया और इर्द गिर्द में बर्न हुआ, वो पर्टिकुलर पार्ट जहाँ बिल्कुल सेंसेशन नहीं वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इर्द गिर्द में हुआ बर्न, तो ये जो वुंड है वो हील होने में टाइम जाता है, इसलिए वी हैव टू बी मोर केयरफुल। ठीक सर। सेकंड वन सर, एक सर एक पॉइंट बताएंगे जरा सर, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस में
अगर रेडिएट कर रहा है लेफ्ट या राइट साइड में पेन, तो सर हमें वो कहाँ पर्टिकुलरली पॉइंट कहाँ होगा सर, हमें कहाँ लगानी होगी उस इलाका सर? दैट्स व्हाट आई सेड कि व्हेन वी कंडक्ट दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप तो वी शो हाउ टू अराइव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज दैट पॉइंट इज नॉट लाइक यू नो लाइक इन ओके आई गिव यू एग्जाम्पल विथ यू नो रेफरेंस टू एक्यूपंक्चर. नाउ इन एक्यूपंक्चर इफ यू सी दे हैव गॉट मेरिडियंस and they have got number of, you know, they have got numbering for the points, so and so number like that, okay. But in case of apne agnikarma ya vidya mein wo patient ke body ke parikshan mein uska praman lete hue then you have to arrive at that particular point. To yahan manyagat kasheru ka ya kati kasheru ka niche ya gardan ke ya वहां उन्होंने बताया कि इतना इतना अंगुल छोड़ के आपको करना है, तो वो अंगुल किसका छोड़ना है तो पर्टिकुलरली पेशेंट का स्वांगुल प्रमाण है वो, ना कि अपना या और कोई व्यक्ति का. तो वो जब हम पेशेंट पे दिखा देते हैं कि भाई ये देखो ये मार्क किया और वहां ही आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट देना है. बट फॉर मेकिंग यू अवेयर एक जनरलाइज कि आपका जो मिड पॉइंट है जो नेक का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लाइन में अराउंड 1 to 1.5 उंगी यू नो अंगुल ये इतना छोड़ के देन यू हैव टू गिव दोस पॉइंट्स. पांच पॉइंट वहां है, नीचे भी ऐसे ही पांच है, ये दोनों साइड में पैरास्पाइनल गटर्स के एरिया में नीचे की तरफ है और यहाँ ऊपर थोड़े नजदीक है, बट वी हैव टू बी केयरफुल. अच्छा इसमें भी देने में एक स्पेसिफिक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ मैं कि जब हम लोग ये देते हैं और पर्टिकुलरली कैंडल से हम लोग उसको हिटअप करते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल, पर्टिकुलरली अगर रुग्णा स्त्री रुग्णा है क्योंकि उसके बाल रहते हैं एंड देन यू आर फोकस ओनली ऑन गिविंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो आपका ध्यान उधर ही रहता है कि वो पॉइंट का जो हिस्सा है उस पर ही आपकी सुवर्ण शलाका का सीरा रहे और वो हिले नहीं, इट हैज टू बी स्टेडी. तो आपकी जो असिस्टेंट है मतलब आपका जो असिस्टेंट क्लिनिक में जो रहेगा या विद्यार्थी रहेगा उनका वो काम होगा कि भाई वो रुग्णा के बाल ये जो फ्लेम है ये अपनी कैंडल की उसके इर्द गिर्द नहीं आए, नहीं तो वो जलने की संभावना रहती है, या कभी कभार ड्रेस का कोई मटेरियल नीचे गिरना गिर जाता है बाय एक्सीडेंट तो उससे भी तकलीफ हो सकती है. तो वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट. सम पीपल दे हैव आस्क्ड मी कि कैन वी यूज ये अपना दिवाली में आपने देखा होगा ये मोम का छोटा पंटी आती है राइट, कि उसमें ही मोम रहता है उसमें ही फ्लेम के लिए वाती रहती है और उसको आप लगा के यू कैन होल्ड इट, बट आई वोंट सजेस्ट दैट बिकॉज उसमें क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है नीचे से, या आपने इवन दो नीचे कुछ उसमें पकड़ के उसने काम करना चाहा तो उसमें भी क्या होता है कभी कभी वो फ्लेम एकदम बढ़ी आती है, वेयर एज इफ यू टेक कैंडल तो आपको जगह मिलती है एंड देन यू कैन वर्क इट मोर स्पेसिफिक वे. सम पीपल दे आस्क आल्सो कि कैन वी यूज दैट बर्थडे कैंडल, तो ठीक है कभी कभी वो कर सकते हो बट कभी कभी उसमें क्रैकल्स जैसे यू नो फुलझड़िया की किसी ये आती है क्या कहूँ आवाज आते हुए वो जैसे फुलझड़िया से किसे निकलता है वैसे आता है, तो दैट काइंड ऑफ कैंडल्स आर नॉट एडवाइजेबल. वी हैव टू हैव नॉर्मल कैंडल एंड उससे हम लोग काम किए तो ज्यादा बेहतर होगा. सम पीपल दे आल्सो आस्क कैन वी यूज दैट गैस लाइटर, तो सम आई हैव सीन सम ऑफ माय अनदर कलीग्स फ्रॉम गुजरात दे हैव यूज गैस लाइटर, बट मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैंने गैस लाइटर का प्रयोग नहीं किया बिकॉज समटाइम्स दैट फ्लेम गोज जूम करके एकदम दूर जाती है और अगर हमारा वो अंदाज चूक गया तो वी कैन बर्न पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पेशेंट्स बॉडी. एक जगह देना है तो उसकी जगह वो फ्लेम ज्यादा अंदर तक चली गई तो उसे तकलीफ आ सकती है. तो आई थिंक द बेस्ट एंड सेफेस्ट वे इज टू मेक यूज ऑफ कैंडल. खाली वो कैंडल जब जलती है तो उससे मोम नीचे पिघल के गिरता है, तो ना गिरे पेशेंट के ऊपर या अपने हाथ के ऊपर तो वी हैव टू होल्ड कार्ड पेपर, तो वो पकड़ने के लिए किसी को अपने को हेल्प में लेना चाहिए
एंड वही व्यक्ति का काम रहता है कि भाई ऊपर बाल आ रहा है या और कोई तकलीफ है, तो दैट पर्सन हैज टू बी एजुकेटेड अबाउट इट कि भाई आप इसके ऊपर ध्यान दें ताकि आगे जाके तकलीफ ना हो. समटाइम्स वी यूज विद्धकर्म एंड अग्निकर्म टूगेदर, बट एज अ हायरार्की वी स्टार्ट विद विद्धकर्म. अगर उससे भी फर्क नहीं है तो अग्निकर्म, राइट? या पहले इवन पट्टबंध का भी प्रयोग सुश्रुत संहिता में दिया है, देन विद्ध एंड देन अग्नि. बट देन इट इज वेरी मच स्पेसिफिक इन वेरियस कंडीशंस, वेरियस इंडिकेशंस. एंड ताजुब होता है कि मैंने इवन ऑफ्थेल्मिक कंडीशन में, लाइक आई हैव यूज्ड इन डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें सब लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि भाई इसमें कुछ नहीं होना है, एंड दैट पेशेंट वॉज कमिंग टू मी फॉर डायबिटीज एज वेल एज डीआर, डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्रोलिफेरेटिव रेटिनोपैथी थी, एंड नो पीएल, देयर वॉज नो परसेप्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वन आई. एंड वेन वी कंटिन्यूड फॉर अग्निकर्म, इनिशियली विद द देन अग्नि इन दैट पर्टिकुलर केस फॉर नंबर ऑफ सिटिंग्स, एंड इंटरनल मेडिसिन तो चालू ही था एनी वे. एंड देन वन डे दैट पेशेंट कॉल्ड अप एंड सेड कि सर देर इज अ चेंज, आई कैन सी समथिंग इज मूविंग इन फ्रंट ऑफ आई. तो आई कॉल्ड हिम अप एंड देन देर वॉज फिंगर काउंट, मूविंग बॉडी, देन स्लोली इंक्रीज टू 2 feet, 4 feet, नाउ ही कैन सी अप टू 6 feet. दो देर इज नो फर्दर इम्प्रूवमेंट इन दैट केस, बट एटलीस्ट जहाँ कुछ भी नहीं था वहां से यहाँ तक उसकी स्थिति हो गई, तो आई थिंक अपने अपने ये अच्छी बात है. इन केस ऑफ माइग्रेन आई हैव गॉट नंबर ऑफ केसेस की जिसमें हमने एक या दो सिटिंग दिया एंड इमिजिएटली दैट पेशेंट यू नो रिप्लाइड कि सर अभी पेन बिल्कुल कम हो गया है. सो वी कैन सी सच काइंड ऑफ मिराकुलस चेंजेस. बट वन थिंग आई मस्ट मेक इट क्लियर, जो कि सर भी पहले हम लोग सभी विद्यार्थियों को कहते थे कि ऐसा नहीं कि आप केवल और केवल अग्निकर्म. बट जब पेशेंट को आपको इमीडिएट रिलीफ देना है और पेशेंट को ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है कि भाई आयुर्वेद से भी हमें इमीडिएट रिजल्ट दिख सकता है, इसके लिए हमें अग्निकर्म या विद्धकर्म जैसी जो प्रोसीजर्स है, जो कि आमतौर पे यूजुअली काफी लोग नहीं यूज करते, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए. नो यस प्लीज. अरे क्वेश्चन नोट ले लूं सर? हाँ बिल्कुल सर. सर माइग्रेन में पॉइंट बता दो सर. सर वही बता रहा हूं मैं, माइग्रेन में कौन सा किधर है वो उसके ऊपर है. अभी उसमें 3-4 पॉइंट्स है माइग्रेन में. अभी मैंने यहाँ पॉइंट बताया, आपने किया और उसको प्रॉब्लम हो गया, देन इट विल बी एक्चुअली रॉन्ग थिंग ऑन पैथी और पर से मेथड. तो आप, मैं कहूँ कि नजदीक में कोई बंदे है, मैं बता दूं आपको, बताने में कोई दिक्कत नहीं है. एक भ्रू मध्य करके है और भ्रू पुच्छ है और शंख है, तो ये 2-3 पॉइंट्स उसके प्रमुख है. मगर वहां भी पेशेंट को देखते हुए, उसका हिस्ट्री लेते हुए, वो तो क्या है माइग्रेन, तो खाली अपना मॉडर्न काउंटर पार्ट हमने बता दिया भाई डायग्नोसिस के लिए. बट ये पित्त चिरशूल है कि कफ चिरशूल है कि उसको यू नो जीर्ण प्रतिष्ठा है कि पीनस है, किसके कारण उसको हुआ है, वो भी जानना जरूरत है. एंड अकॉर्डिंगली देन यू हैव टू गो विच पर्टिकुलर फाइनर उसका जो मॉड्यूल है, भी कितना डीप जाना है, कितने समय तक रखना है और क्या करना है, वो उसके ऊपर आगे निर्भर होगा. मगर काफी अच्छा उसका भी रिजल्ट हमने देखा है. पित्त चिरशूल है सर, पित्त. हाँ, बट देन अगेन यू हैव टू सी पेशेंट एंड अकॉर्डिंगली, अगेन आई रिपीट कि यू हैव टू बी विद द प्रमाण शरीर ऑफ द पेशेंट. तो पेशेंट को लेते हुए, पेशेंट के शरीर का वो पर्टिकुलर अंगूल लेते हुए, देन यू हैव टू अराइव एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ दैट यू नो एरिया. सो भ्रूमध्य मैंने जनरल बता दिया, बट वो पर्टिकुलर पेशेंट को सामने रखो और हम सामने जब भी बैठ के काम करेंगे तो यू विल रियलाइज कि हाँ, ये पर्टिकुलर पोजीशन में इतने डीप में हमको या तो विद्य करना है या तो अग्निकर्म. अभी ये भी चीज है कि विद्य करना है कि अग्निकर्म करना है, ये वैद्य को उस समय देख के डिसाइड करना है. कभी कभी केवल विद्य से भी फर्क पड़ता है, कभी कभी अग्निकर्म और विद्यकर्म दोनों करना पड़ता है. तो डिपेंड्स क्या आपको करना है. कभी कभी मैं केवल लेप का प्रयोग करता हूँ, ये विद्य और अग्निकर्म के लिए मना भी करता हूँ, केवल लेप का प्रयोग करता हूँ. और पेशेंट एक 15-20 मिनट में फोन करता है, फोन पे ही बता देते भाई ये फलाना लेप लगा दीजिए, आप बता दीजिए क्या हो रहा है.
तो डिपेंड्स कि क्या उसको एटियोलॉजी है, क्या उसके हेतु है, और वो हेतु विपरीत आपने उसको दिया तो इमिजिएटली यू विल सी। कई बार साइकोजेनिक भी होता है, कई बार उसको यू नो शारीरिक दोष से कनेक्टेड नहीं है बट मानस दोष से। सो यू हैव टू वर्क विद दी मानस दोष चिकित्सा, मनो मनोचिकित्सा, अकॉर्डिंगली भी यू कैन सी द चेंजेस विद इन दैट पर्टिकुलर केस। बट कॉमनली यहाँ ये जो भ्रूमध्य है वहां भ्रूपुच्छ है एंड शंख, ये शंख मतलब आंख और ये जो कान है इसके बीचों बीच वाला पार्ट। सो ये दो तीन पॉइंट्स कॉमन है। समटाइम्स समटाइम्स इवन इफ इट इज स्पेसिफिक टू साइनसाइटिस जैसे जो कंडीशंस है तो उसमें यू हैव टू गो हियर ऑल्सो। इथमोडल जहाँ है तो वहां भी अपांगा कनिनिव, तो अपांग संधि के नजदीक, बट अगेन वी हैव टू डू इट इन फ्रंट ऑफ समवन हु हैज ऑलरेडी डन इन थाउजेंड्स। आपने ऐसा नहीं कि किताब पढ़ लिया और डॉक्टर फड़के को सुन लिया और आपने कर दिया। उसमें क्या होता है, आई विल टेल यू। वन ऑफ माय अनदर सीनियर कलीग हु हैज कम टू अटेंड आवर वर्कशॉप एट मुंबई ओनली एट माय क्लिनिक, एंड उनको काफी सीनियर थे हमारे, और उनको मैंने बताया सर यह आपको विद्य करना है, एंड द वे इन विच ही विथ फोर्स ही डिड ना, इट स्टार्टेड ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। सुप्राऑर्बिटल आर्टरी थी शायद वहां, एंड देन काफी स्टार्ट हुआ। राम सर, सर क्या लग रहा है नेटवर्क इशू है? किसी को कुछ बोलना है तो बोलें, और भी कुछ पूछना है तो सर से पूछें, उनके यहाँ आवाज जा रही होगी, कई बार हो सकता है। राम हाँ प्रणाम सर। हेलो हेलो। सर प्रणाम सर, राम जी सर। हाँ प्रणाम सर। सर ये आम बात में अगर पेशेंट के नी ज्वाइंट में स्वेलिंग वगैरह आए तो सर कहाँ पे करना चाहिए हमारे आगे का? हेलो। तो हाँ जी सर, आपने बोला सर हैं अभी किस चले गए, क्या लग रहा है? आज की आवाज चली गई सर की। हाँ नहीं सर की तो आवाज चली गई, इसमें दिख रहे हैं? हाँ अभी अभी आ रहे हैं, आवाज आ अभी रहा है। दिखी सर, दिख ही नहीं रहे। हाँ हाँ बीच में कनेक्शन गया मेरे ख्याल से, तो वो चीज यहाँ मायने रखती है, तो वो चाहिए आपको। अग्निकर्म के पॉइंट को कई जगह मिलेंगे, बट आपको सबको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जिन किन्होंने ये किया है प्रत्यक्ष रूप से दृष्टकर्मा है, उनके सामने बैठते हुए एक बार देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत समय तक उनके पास बैठना होगा, बट यू टू हैव फर्स्ट। हेलो। आवाज गई सर की। उसका भी आपको काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी। नवीन प्रणाम जी सर। क्वेश्चंस? हेलो प्रणाम सर, ये आम बात में सर इसको। सर हेलो। आवाज जरा आ नहीं आ रही है आपकी। सर ये आम बात में आ रही हाँ है जी, सर? सर आमवात में भी हमने आम यूज किया है इसको, बात आमवात में भी यूज किया है कई ट्रिगर फिंगर में यूज किया है, आमवात नहीं में तो सर यूज वहां पे किया अगर है। जैसे स्पेलिंग होती है इतना बहुत बहुत इंफ्लेमेशन बिल्कुल हो रहा है तो बिल्कुल, वहां जब पर आप जब करना भी चाहिए या कि उसके आसपास करना चाहिए? सुनिए सुनिए, जब भी बहुत ज्यादा पेन होता है तो एनी वे वी गिव ड्राई रुक्ष रुक्षस्वेदन तो देते ही है, राइट? तो जैसे हम वृक्षस्वेदन का प्रयोग करते हैं वैसे ही अग्निकर्म हाँ का, वहां अग्निकर्म का प्रयोग करना है, वहां इसका विद्या का ज्यादा करके प्रयोग नहीं करते, तो वहां अग्निकर्म का प्रयोग कर सकते हैं। बट वी हैव टू बी अगेन वेरी नहीं सर केयरफुल इन प्रणाम दैट। सॉरी
हेलो। सर ये जहां पर स्वेलिंग होती है भाई अग्निकर्म या की क्या कहते हैं उसके आसपास करना चाहिए। नहीं, वापस वही चीज दोहरा रहा हूँ कि इट्स अ प्रॉपर कोडिफाइड पॉइंट्स, सो वन नीड टू अंडरस्टैंड दोज। इट्स नॉट लाइक ये फलाना चीज है तो क्या बताऊं इसका है क्या बताए, ऐसे ना करे कृपया, क्योंकि उसमें क्या होगा, यू विल गेट डिस्क्रीट आइडिया एंड देन देर इज अ चांसेस ऑफ कमिटिंग एरर्स एंड दैट बिल विल कम अल्टीमेटली ऑन आयुर्वेद, सेकेंडली ऑन डॉक्टर फड़के। सो आई डोंट वॉन्ट दैट बेसिकली टू हैपन, बट वेन एवर देर इज अ एक्सक्रूशिएटिंग पेन इन पीआईपी जॉइंट्स या मेटाकार्पल्स या मेटाफेलेंजियल जॉइंट्स जहाँ बहुत ज्यादा पेन है, तो मैंने कई जगह ऐसे उसका प्रयोग किया है। बट देन वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू बी अप्रोप्रिएट इन मेंटेनिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ शलाका विद दी पेशेंट्स पार्ट ऑफ दैट इन्फ्लेम एरिया, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। जैसे नी ज्वाइंट है फॉर एग्जाम्पल, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी ज्वाइंट है, या आपका मणिबंध संधि है, खास करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मणिबंध संधि है, तो ये सब संधियों के लिए उन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए, कैसे उसको अराइव करना है, कैसे वो प्रमाण शरीर के अनुसार काउंटिंग करना है, कैसे वो पर्टिकुलर जगह में आना है एंड वही देना है। ऐसा नहीं आप कहीं भी दे दो, आमतौर पे जहाँ पेन है वहां देते हैं वो ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो अगर सुश्रुत के अनुसार हमें चलना है तो हमको वो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे जाना है। सर आई थिंक अभी वर्कशॉप जो है वो हम लोग का डॉक्टर नवीन जी जो है उनके देहरादून में हम लोग रखे हैं, दैट इज गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट मंथ 30th of October को है वो, तो आप डॉक्टर नवीन सर से कम्युनिकेट करिए, ही विल बी एबल टू गाइड इन अ बेटर वे। और किसी को भी कुछ सर से पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर प्रणाम। आशीष सर प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सर, नमस्ते। नमस्कार सर। सर मैं डॉक्टर प्रशांत भट्ट बोल रहा हूँ सागर से। सर हाँ मेरे जी, पास एक पेशेंट है बात कंटक का, हाँ, पर मेरे पास जो शलाका है वो पंच धातु की शलाका है, जो जैसे हाँ अपने हथौड़े हथौड़े का शेप होता है ना, उस शेप में हाँ आती हाँ है। समझ गया। ये हमारे महाराष्ट्र के और एक वैद्यराज है वो उस प्रकार की शलाका बनाते हैं, बिल्कुल। सर तो उसका जो, तो सर उसका मैं बताऊँ बताऊँ आपको, उसका जो जो तिकोने में जो कोन वाला हिस्सा है ना, वो शलाका का, दैट यू यू कैन हीट अप एंड वो पॉइंटेड पार्ट से भी आप उस जगह में यू कैन गिव दोज पॉइंट्स। बट ध्यान रहे कि पंचलोक की है तो बहुत इमिडिएटली गर्म हो जाती है वो, तो यू हैव टू बी वेरी सुपरफिशियल एंड वेरी क्विक। अगर आपने बहुत समय तक रखी वहां तो एक तो जो हील का रीजन है वो स्किन बहुत मोटी रहती है स्किन, तो पेशेंट को समझते समझते वहां बर्न हो सकती है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। नंबर सेकंड, ये सभी प्रोसीजर में यू हैव टू अप्लाई ऑयल, लेयर ऑफ ऑयल, विदाउट दैट यू विल नॉट प्रोसीड विद द अग्निकर्म, वो भी ध्यान रखे, इज अ रूल ऑफ थम, यू हैव टू अप्लाई लेयर ऑफ ऑयल, एज सिंपल एज तिल्ली का तेल, एज सिंपल एज कोकोनट ऑयल, बट तिल तेल इज ऑलवेज प्रिफर्ड। ओके, तो वो लगा के आप करिए। एंड अभी ये बारिश का मौसम है तो मिट्टी जो आती है वो मिट्टी का, काली मिट्टी जो आती है, काली मिट्टी निकालिए, उसका ये चौक के साइज की शलाका आप बना लीजिए, राइट। एंड वो शलाका धूप में सुखाइए, तो कड़क होनी चाहिए वो, बट मिट्टी की होती है वो, तो ये मृत्तिका शलाका कहलाती है। और ये मृत्तिका शलाका जब हम गर्म करके लगाते हैं तो उसका टेम्परेचर ये कहीं गुना कम रहता है ये धातुओं की शलाका के अपेक्षा, और वो तकलीफ नहीं देती और उससे रिजल्ट भी मिलता है। तो अगर आपने पहले किया है तो आप करके देखिए। आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप पेशेंट को एक्सरे के साथ बुलाएं, ताकि एक्सरे में यू
कम टू नो एग्जैक्टली वेयर द कैल्केनियल स्पर इज, तो अकॉर्डिंगली वो पोजिशन देखते हुए यू कैन देन प्लेस योर शलाका एंड देन यू गो एड विथ योर कर्म. तो दैट इज अदर पार्ट. एंड सेकेंडली आप कहाँ हो, सागर में कहाँ से हो, कौन से एरिया से हो? सर सागर प्रॉपर ये भोपाल के पास में एमपी में है. सागर सर सागर में 15 साल आता था सागर यूनिवर्सिटी में. बाकायदा आई यूज टू कम एज अ विजिटिंग प्रोफेसर फॉर टीचिंग योगा थेरेपी एंड आयुर्वेद इन दी डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंस सागर यूनिवर्सिटी में. तो सागर जानता हूँ मैं, बहुत अच्छे से जानता हूँ. बोलिए जी सर. ठीक है सर, आइए कभी. अभी जब भी आते हैं सर तो आपसे मिलना होगा सर. मेरा एक्चुअली सर मेरा 96 बैच था और मैं 2001 में मेरा कंप्लीट हुआ था बीएमएस नागपुर से. बढ़िया, तो मैं तब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो एक क्वेश्चन सर, आपने पूरा क्लियर कर दिया, बस एक क्वेश्चन और है मेरा कि जो पंच भौतिक शलाका को हमें गर्म करना है तो वो एक अप्रोक्स कितना मतलब देर तक उसको मोमबत्ती पे रखना है, मतलब 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट? नहीं नहीं नहीं, देखो 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 देखो, ये दो अलग चीज है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो. जब आप डायरेक्ट अग्निकर्मा, ये जो आपने बताया ना ये वात कंटक वाली, तो मेरी मेथड जो है उसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं देते, इनडायरेक्ट मेथड से देते. तो आपको एक बार देखना होगा, आके सीखना होगा. तो इनडायरेक्ट मेथड में तब तक देना है जब तक पेशेंट कहता है भाई मुझे गर्म नहीं हो रहा है. जैसे पेशेंट कहता है गर्म होना चालू हो गया तो यू हैव टू रिमूव इट, अदरवाइज यू विल गेट स्कार, यू विल गेट बर्न. तो हमारी मेथड में ये है कि भाई पेशेंट को बिल्कुल बिना मार्क आए, बिना बर्न हुए, बिना वहां कोई यू नो लाइक स्कार हुए, हम लोग ये सब चीज करते हैं. तो बहुत सेफ और बहुत सरल है, खाली ये सीखना जरूरी है. सीखो एक बार, एक बार सम्मुख किसी के आप काम करें जिन्होंने काम पहले किया है. ऐसा नहीं कि मेरे पास ही है, कहीं भी जाए, बट देन किसी के सामने आप ये कर लीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए कि मेथड्स. देन आई थिंक वंस एक बार अलग अलग जगह में आपने ये कर लिया, हैंड्स ऑन कर लिए, तो आपको फिर और जगह में करने के लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से. जी सर, जी सर, ठीक सर. तो यहाँ डायरेक्ट हम तपा के नहीं करा रहे, डायरेक्ट मेथड मैंने एक ही चीज के लिए बताई, वो थी कदर कौन. और मैं नहीं कहता हूं कि आप डायरेक्ट कौन के ऊपर जाइए, क्योंकि कौन करने के लिए भी आपको थोड़ा सा पहला अनुभव होना चाहिए. कभी कभी आप इतना डीप चले जाते हो और बाद में आपको पता चलता है कि अरे आई एम बर्निंग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द लेग. और लेने की देने की परिस्थिति होती है. मेरे एक मित्र थे, उन्होंने डीप गए वो, एंड पता चला कि इट वॉज वेरी डीप. तो जब पेशेंट आया और देखने को मैंने खोला तो इट वॉज वेरी डीप अंदर तक गया था. बोला यार ये तो बहुत ज्यादा अंदर गया है, बट पेशेंट के सामने बात भी नहीं कर सकते. बट देन उसको फिर व्रणा कर्म बहुत अच्छे तरह से करना पड़ा, एंड आगे जाके दिक्कत नहीं हुई कि उसको सर्जन के पास भेजना पड़े. राइट, नहीं तो आयुर्वेद के नाम पे वैसे भी पहले बिल फटते हैं, तो और गलत काम नहीं हो तो बेहतर होगा. जी सर, जी सर. सर मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे आपने बोला कि आपको अग्नि कर्म करने के बाद उसमें आपको घृत कुमारी का जो गूदा वाला सब में नहीं, केवल जहां डायरेक्ट अग्नि कर्म है तभी, इनडायरेक्ट में उसकी जरूरत नहीं है. अच्छा अच्छा, चलिए ठीक सर. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आई वुड सजेस्ट एवरीवन, दोज हु वांट टू कम फॉर जॉइनिंग वर्कशॉप, उनको मैं यही कहूंगा कि यहाँ मुंबई में अब जब हम लोग करते हैं ना, तो मैंने तो लगभग फ्री में किया था क्योंकि विद्यार्थी थे कई सारे हमारे और मित्र थे. बट मैंने देखा है मुंबई में कई सारे लोग ऑनलाइन करते हैं अग्निकर्म का वर्कशॉप ऑनलाइन. ना आप सामने वगैरह नहीं हो, ऐसे ही देख के ऑनलाइन देखते हुए आपको करना है कुछ, एक घंटा सुबह, आधा घंटा सुबह, ऐसे इस तरह से चलता है उनका प्रोग्राम. उसका भी चार्जेस पीपल दे आर चार्जिंग अराउंड 6,000 to 8,000 ऑनलाइन का. तो वी आर कंडक्टिंग ऑफलाइन इन पर्सन प्रोग्राम इन देहरादून, जहां वी आर कंडक्टिंग विद्धकर्म अग्निकर्म, उसके साथ में डॉक्टर नवीन सर स्टार्टिंग में मर्म का कुछ बेसिक्स एंड नाड़ी परीक्षा का बेसिक्स ऐसे भी दे रहे. एंड उसका चार्जेस वी हैव जस्ट केप्ट 1,500 दैट टू अगेन फॉर फूड एंड दी हॉल का चार्जेस. तो मेरे हिसाब से इससे तो बेहतर और अपॉर्चुनिटी नहीं होगी. बट आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि अगर आपको
शलाका बुक करनी है, क्योंकि शलाका आपने अगर खरीद ली तो शलाका पे काम कर सकते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे आपने फोटोग्राफी का कोर्स कर लिया, डिप्लोमा तो मिल गया, सर्टिफिकेट है, आपको सब बता दिया भाई एसएलआर ऐसा करना है, ऐसा अपर्चर स्पीड रखना है, ऐसी लेंस लगानी है, और आपके पास एसएलआर कैमरा ही नहीं, तो आपका एक कोर्स करने का क्या मतलब है। तो इट्स लाइक दैट। तो अगर आप गोल्ड की शलाका प्रिफर करते हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो, बेयर कर सकते हो खर्चा, तो वी कैन गेट ऑन ऑर्डर, पहले पैसा लेके ऑर्डर लेके वी कैन बुक एंड वी कैन प्रिपेयर सुवर्ण शलाका। जिनको सुवर्ण नहीं चाहिए, रजत वाली चाहिए तो रजत वाली, नहीं तो सबसे जो लास्ट हम लोग ने रखा है दैट इज पंचलोह शलाका। बट पंचलोह शलाका की मैं एक बात बताऊं कि दो इट इज चीपर, 1500 से 2000 के बीच में वो तैयार हो जाती है, डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ गोल्ड ओके एंड डाई की प्राइस। बट उसमें क्या होता है कि आपको ना वो कॉन्टेक्ट टाइम बहुत कम रह जाता है, जैसे आपने टच कर दिया और पेशेंट को पूछना है तो तुरंत ही वो तब जाती है, तो आपको तुरंत उतना अलर्ट रख के काम करना पड़ता है। वेर एज गोल्ड में आपको सबसे ज्यादा समय मिलता है, सेम थिंग हैपेंस विद लिटिल डिफरेंस विद दैट ऑफ रजत शलाका। यूजुअली सजेस्ट करता हूं अगर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है और आपको इससे पेशेंट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होने वाला है फ्यूचर में, तो आप बेटर वे रजत या गोल्ड की खरीदे। अगर बिल्कुल ही संभव नहीं है, नए विद्यार्थी है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या इंटर्न्स है या जस्ट चालू किया है प्रैक्टिस, तो वो लोग कम से कम आप लोग पंचलोह शलाका की बात दिमाग में रखते हुए आगे जाए। नहीं तो क्या होगा, आप आएंगे उसको देखेंगे बट काम नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड आगे जाके घर में जाने के बाद आपको दिखता है सामने, अरे ये पेशेंट है, इसमें मैं फर्क कर सकता हूँ, मैं उसको रिजल्ट दे सकता हूँ, बट मेरे पास हथियार ही नहीं है। अगर हमारे हाथ में इंस्ट्रूमेंट नहीं है, खाली नॉलेज है, तो नॉलेज क्या काम का। तो आई थिंक वन हैज टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है बट दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट इन योर फ्यूचर। मैंने जब भी बनाई थी तो तभी मुझे खर्चा आया था करीबन 12,000 के करीबन, तो तब भी मुझे लगा था अरे बापरे 12,000 है, बट देन सर ने भी खुद बताया था कि अरे इसमें प्रॉब्लम नहीं, एक बार बना लो ना तो आगे जाके जन्म भर काम आने वाली है। अभी उसी चीज का आज प्राइस है 25,000 से 30,000, तो काफी ज्यादा है। तो आई सजेस्ट की ओके ठीक है, आप सुवर्ण की ना बनाए बट अगर रजत या पंचलोह की आप बना लेते हो तो आई थिंक दैट इज रियली गुड। एंड इसमें कैसा है कि हमारे पास जो बंदा बना रहा है ना, तो उसके पास डाई रेडी है, तो स्टार्टिंग से सब करना नहीं होगा, कितना लेंथ चाहिए, कितना उसका, मैं एक मिनट चालू रखे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने दिख रहा है, आई डोंट नो कैन यू सी, हाँ ये जो शलाका है ये पूरी सुवर्ण शलाका है, स्टार्ट टू एंड, ऊपर के सिरे से नीचे तक सुवर्ण है ओके। अभी ये जो है ये है पंचलोह वाली शलाका, तो उसका जो हिस्सा है ऊपर वाला ये सोने का है, बट उसके नीचे का जो शाफ्ट है इसमें पंचलोह है। ये जो अभी दिखा रहा हूं ये है ताम्र शलाका, दिख रही है कि नहीं, हाँ ये देखो ये ताम्र शलाका है, तो कुछ एक केसेस में ही हम लोग उसको यूज करते हैं। एंड ये और एक दिखाता हूँ, इसमें रजत का प्रमाण ज्यादा है, तो ये रजत मैक्सिमम रजत और पंचलोह बाद में, और ऊपर का जो हिस्सा है वो गोल्ड, ऐसी ये शलाका है। तो अलग अलग शलाका मैंने मेरे लिए तो रखी है, बट देन आप लोग अगर आना चाहे और इसका बहुत सरल रूप से लाभ लेना चाहो तो आई थिंक यू शुड मेक एटलीस्ट वन शलाका एंड देन आगे जाके काम करें तो मजा आएगी। Is there any other questions? Shall we call a day? Sir, question aur le lun sir. हाँ लीजिए लीजिए। सर गृहदशी में बता दो सर, पॉइंट बता दो, गृहदशी में कैसे क्या लेना होगा सर? गृहदशी में अगेन देयर आर ऑलमोस्ट 4 से 5 पॉइंट्स है गृहदशी में ओके, सो ऑन दोज पॉइंट्स वी हैव टू अनड्रेप पेशेंट एंड देन जैसे यू नो ओटी में ड्रेपिंग करते हैं पेशेंट का, वैसे ड्रेप करना होता है, क्योंकि अगर फीमेल केस है तो शी विल फील ऑड, इवन यू विल फील ऑड इफ द केस इज ऑफ ऑपोजिट सेक्स, तो विद द हेल्प ऑफ योर नर्सिंग स्टाफ या विद द हेल्प ऑफ योर असिस्टेंट पंचकर्मा असिस्टेंट
उसको प्रॉपरली ड्रेप करके फिर वो पर्टिकुलर पॉइंट जो उसकी सायटिका नर्व की जो कोर्स है उसमें वापस गुरुदर्शी के लिए स्पेसिफिक पॉइंट सुषुप्त में दिए हुए जानु संधि के इर्द गिर्द है, कुछ है नीचे गुल्फ संधि के इर्द गिर्द है, कुछ आपके तलुए के ऊपर है, कुछ आपके फिंगर्स के इर्द गिर्द है। तो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू गिव दोज पॉइंट्स, एंड जैसे आप वो पॉइंट देते हैं चार बार पांच बार तो यू सी द चेंज इन दी यू नो वॉकिंग टाइम। आई गिव ऑल द टाइम ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स टू द पेशेंट कि भाई आपको पहले सहारे के साथ चल के आना पड़ता था और एक 10 टाइल्स चलने को आपको इतना मिनट लगता था, अभी आफ्टर 5 सेशंस आप ये 10 टाइल को क्रॉस करने के लिए कितना मिनट ले रहे हो और सहारा लेना पड़ रहा है कि नहीं लेना पड़ रहा है, स्पीड में बढ़ोतरी है कि नहीं है। तो पेशेंट ऑल्सो गेट सेटिस्फाइड एंड दे गेट मोटिवेटेड कि हाँ अरे इसमें भी कुछ चीजें है। अच्छा, इसमें आपको गुरुदर्शी में कई बार अपार्ट फ्रॉम अग्निकर्म समटाइम्स यू हैव टू डू विद्य कर्म, क्योंकि वहां रक्तमोक्षण का विधान है। अगर आप ग्रंथों में जाके देखो तो इवन कुछ लोग वहां प्रच्छान भी करते हैं, कुछ लोग वहां जलौ का चरण करते हैं, कुछ लोग वहां स्काल्पेन से भी निकालते हैं, एंड विद्य कर्म इज दी मिनिएचर फॉर्म ऑफ रक्तमोक्षण। तो आप इमिजिएटली वो करा सकते हो, और जो लुगण को खून निकालने में डर लगता है, देखते हुए डर लगता है, तो उनके लिए भी ये बहुत आसान होता है। वो है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। सॉरी सर, जलोका के लिए कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा, कहाँ पे लगानी होगी जलोका से? वही वही, अगर वही पॉइंट दोहरा के वही पॉइंट पे आ रहे हो, कौन सा पॉइंट ऐसे बताना मुश्किल है आपको, वो जब प्रॉपरली वो करो ना कि वो सूत्र है, ये सूत्र में ये प्रमाण से आपको वो पॉइंट पे अराइव करना है, और जब कोर्स में हम लोग उसकी फिगर्स ही दे देते साथ में, ये आपके पास एक एज अ रेफरेंस पॉइंट करके रहता है कि इसके अनुसार आपको वो रुग्णक का प्रमाण शरीर को लेते हुए वो पॉइंट पे आना है, मर्म को समझते हुए वो पॉइंट पे आना है। देखो मर्म के ऊपर कोई काम नहीं होता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बता दिया तल हृदय के ऊपर एक अंगुल, तो आपको ये जानना है कि तल हृदय कहाँ है, तो आपको पहले मर्म की जानकारी रखनी है, ठीक है, इंद्रवस्ती या और भी मर्म के विधान आते हैं, तो वो मर्म को आपको पहले समझते हुए फिर वो रुग्णक के प्रमाण शरीर को परिप्रेक्ष्य में लगते हुए आगे बढ़ना है। सर टेनिस एल्बो में दे सकते, टेनिस एल्बो मध्ये चांगला रिजल्ट है तुमचा, काय आपण म्हणतो कार्पल टनेल मध्ये चांगला रिजल्ट है, खरोखरी चांगले रिजल्ट आहेत, काही जणांना मात्र काही फरक होत नाही। सो इन दॅट केस यू हॅव टू अंडरस्टँड की देर इज सम अदर पॅथॉलॉजी इन्वॉल्व, तो आपको वी हॅव टू बी केअरफुल अँड वी हॅव टू बी व्हेरी ओपन इन दॅट, बट ॲज आय सेड वी हॅव टू स्टार्ट विथ मेडिसिन्स अँड देन इंटरवेन विथ अग्निकर्म। बट समटाइम्स पेशंट कम्स फर्स्ट टाइम इन द ओपीडी अँड इज हाउलिंग इन अ पेन, तो उसको कुछ राहत देने के लिए वी कॅन इंटरवेन विथ अग्निकर्म या विद्यकर्म इमिजिएटली and start parallelly aushadhi as well as ahar, jo prayukta ahar prayukta aushadhi hai uska bhi prayog karna chahiye. sir pranam namaste sir, do shalaka leni padegi ya ek hi? nahi nahi, ek starting mein aap madam dekhiye, I understand agar practice nahi hai to do shalaka wagera banana mushkil hai, maine banayi kyunki मुझे रिजल्ट मिले तो मैंने खुद उसमें इन्वेस्ट करके अभी चार चार पांच पांच शलाका है मेरे पास, है ना, मगर स्टार्टिंग में कौन लेगा दो शलाका, संभव ही नहीं है। जो मेरी शलाका सुवर्ण की थी, सर ने मुझे दी, बोले कि आशीष पैसा मत देना, तो ये अच्छा नहीं लगता अपने को, सुवर्ण की शलाका के तो पैसे सर को कहा मैंने, सर आप लीजिए जो भी कॉस्ट कॉस्ट होता है लीजिए आप, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरी शलाका रख, मैं तेरे लिए नया बनाता हूँ और फिर आपको देता हूँ। फिर उन्होंने जब वो मुंबई में पधारे थे तो तभी उन्होंने वो शलाका दी, मैंने पेमेंट किया उनको और उनकी शलाका वापस दी, बट उन्होंने अपनी लोगों की शलाका मुझे गिफ्ट की कि मेरी तरफ से मेरा आशीर्वाद करके आप रखो, तो आज भी मेरे पास है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि एक आप पंचलोह की या रजत सुवर्ण की जो मैं बता रहा था वैसी वाली शलाका लो, आपका बजट देखो कितना है अकॉर्डिंगली, देन यू कैन प्लान कि आपको पंचलोह से शुरुआत करो,
अगर उससे आपको लगता है कि हाँ अच्छा रिजल्ट है, मुझे इसमें 10 पेशेंट में ही कवर हो गया मैंने जो डाल दिया अमाउंट, तो आई कैन इन्वेस्ट एंड आई कैन गो अहेड विद दिस सुवर्ण। सबसे बेस्ट इज सुवर्ण शलाका, आई टेल यू सबसे बढ़िया सुवर्ण शलाका, क्योंकि उसमें आपको रिजल्ट में और बेसिकली तकलीफ कम से कम होती है लोगों को, क्योंकि इमीडिएट तपती नहीं है, इमीडिएट तपती नहीं है, वेरैज ये पंचलों वाली है वो कंपैरेटिवली फास्ट तपती है, ठीक है। और जहां आपको अपेक्षा है कि तुरंत तपे, वहां तो आपको लोहा और ताम्र की लेनी है, तो आप एक लोहे की बना के रखे, एक लोहे की शलाका रखे आपके पास, कैसी है क्या है वो मैं दिखाऊंगा उस दिन, क्योंकि वो रेडी मेरे पास भी नहीं है, वो भी बनाना पड़ेगा, वो इट्स नॉट रेडीली अवेलेबल। ओके, जो और ग्रुप्स है, जो और गुरुकुल है जहाँ ये पढ़ाते अग्निकर्मा अलग तरीके से, तो उनकी जो शलाका है वो थोड़ी अलग प्रकार की, जैसे अभी किन्होंने जिक्र किया कि ट्रायंगुलर शेप रहती है और उसको नीचे दंडी रहती है और आप डायरेक्ट हिट करके डायरेक्ट उसको टच करते हो, दैट इज मीन्ट फॉर डायरेक्ट अग्निकर्मा। अभी जो हम लोग चर्चा किए इतने समय से, दैट इज फॉर इनडायरेक्ट अग्निकर्मा। तो पहले ये कंसेप्ट दिमाग में क्लियर करें कि हम लोग कुछ अलग करने जा रहे हैं, वो डायरेक्ट अग्निकर्म करके, डायरेक्ट वहां विद्ध करके, सॉरी विद्ध की तो बात ही नहीं, अग्निकर्म की बात चल रही है अभी, तो वहां व्रण कर्म वगैरह करने की चक्कर इसमें नहीं होना है। ओके, सो ये एकदम महत्व की बात है कि ये अलग विधान है, अलग विधि है, एंड अगर ये आप सीख ले और पेशेंट के लिए दिखाए, आई वाउच यू, आई गारंटी यू कि वो पेशेंट और दो लोग को लेके आएगा, अरे डॉक्टर साहब के पास चलो, बिना इंजेक्शन दिए, बिना कुछ समय व्यतीत किए, बिना एक गोली खाए, हमको उधर की उधर ही कुछ हद तक फर्क महसूस हुआ, तो आप भी ट्राई करिए। सो दैट इज द ब्यूटी विच आई हैव एक्सपीरियंस इन नंबर ऑफ केसेस, सो आई एम यू नो शेयरिंग विद यू। सर मतलब एक ही शलाका लूं तब भी ठीक है? हाँ, फिर स्टार्टिंग में एक शलाका रखिए ना, बिल्कुल एक रखिए, जरूरी नहीं है कि तीन चार रखनी है, मैंने अभी रखी है क्योंकि मैं इसके ऊपर काम चल रहा है मेरा, आई एम वर्किंग विद रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, तो मैंने अलग अलग रखी है, मगर एक शलाका इनफ है, एक आप लोहो की रखे और एक आप पंचलो, पंचलो विद सुवर्ण टिप, उसमें सुवर्ण को आप माइनस मत करना क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना, अभी जिससे सागर की जिक्र हुआ, मैं सागर में लगभग 15-16 साल डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में जाता था, और आपको बहुत लोगों को पता भी होगा जो उस तरफ के हो कि भाई एमपी में उस जगह पहुंचना है आपको, तो लोकमान्य तिलक टर्मिनस जो कि बम्बई में चेंबूर में, वहां से 12 बजे कामायनी एक्सप्रेस करके चलती थी, आज भी चलती होगी पता नहीं, तो वहां 12 बजे बैठ जाओ तो वहां सुबह 7:30-8 बजे गाड़ी पहुंच जाती थी। तो कई बार मैंने गाड़ी में, ट्रेन में, अगर किसी को बहुत पेन है, कोई बच्चा रो रहा है, किसी को माइग्रेन है, तो आई हैव गिवन देयर एंड देयर इटसेल्फ इन द ट्रेन, एंड इमीडिएट यू कैन सी इमीडिएट चेंजेस, इवन विद का भी मैंने प्रयोग किया है कई जगह, तो आप ये एज अ इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हो और सफल रूप से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ट्राई करके देखते हुआ तो हुआ, ऐसा भी नहीं, अगर आपकी पोजीशन, लोकेशन, पॉइंट एग्जैक्ट है, उसमें आपने अगर अचूक है, मिस्टेक नहीं की है, और आपने जो प्रेशर, जो प्रेशर से देना है उसी प्रेशर में, ना कि कम है ना कि ज्यादा है, तो आपको रिजल्ट मिलना मिलना पक्का है। हाँ, अगर आपने कहीं पढ़ के ऐसे, जब भी आज पूछ रहे भाई मुझे फलाना माइग्रेन का चाहिए, पॉइंट इसका चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ, मगर उसमें मतलब नहीं, इसमें मजा नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो आपको समझने में, मैंने इधर दिखाया बट आपकी तरफ से वहां समझने में कुछ प्लस माइनस हो गया, और पेशेंट के ऊपर आपने देने के समय और भी गलत हो गया, तो हो सकता है उसका जैसा रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो वी हैव टू बी रियली स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर अबाउट डूइंग ऑल दिस प्रोसीजर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलती रहेगी कामायनी, अभी भी चलती रहेगी। लास्ट के कुछ ईयर में मैंने फिर भोपाल से आना चालू किया, बट फिर भी वो काफी कम्बरसम था, क्योंकि सागर से भोपाल मेरे ख्याल से 1-2-3 घंटा वो रेड बस से जाया करते थे, फिर आगे भोपाल से फ्लाइट पकड़ के आना, बट आई एंजॉयड दोज डेज। आपकी वहां की क्या उसका नाम है, चिरौंजी की बर्फी बहुत याद है अभी भी,
तालाब बहुत याद है, बहुत सुंदर है, और यूनिवर्सिटी का कैंपस तो बहुत बढ़िया है उधर का, बहुत बढ़िया। डॉक्टर नवीन सर अभी क्या करें आगे? किसी और को भी कुछ पूछना है सर से तो पूछ सकते हैं। ऑफलाइन वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे सर जरूर। बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। एंड सर जितने आपके परिचित में हैं सर 2 साल पहले मैंने किया था सर। मतलब अभी जिस जिन्होंने आ ये इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको तो जरूर बताना, बिकॉज ये बच्चे जब भी क्लिनिक चालू करेंगे और क्लिनिक में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इवन आई वुड सजेस्ट इफ यू आर डूइंग यू नो लाइक इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, कि आप एलोपैथी यूज कर रहे हो और आयुर्वेद का भी शुरुआत करने जा रहे हो, तो आई थिंक जैसे आप इंजेक्शन देते वैसे इस प्रकार से अगर आप अग्निकर्मा और ये विद्याकर्मा का प्रयोग करो तो यू विल सरप्राइज। कह रहे ये आप लोग सोचेंगे इतने समय तक हम लोगों ने ऐसे यूज क्यों नहीं किया, राइट? तो यू शुड स्प्रेड द वर्ड अमंग्स योर कलीग्स, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू, एंड आई विश टू सी यू ऑल इन पर्सन जब भी वर्कशॉप होगा, एंड जरूर मिलेंगे। जी सर, जी सर। और किसी को भी कुछ पूछना है सर से? किसी की और कोई क्वेरी है? स्वाइल कॉल डे, सभी को शुभ रात्रि, और मैं अभी आपका विदा लेता हूँ क्योंकि अभी देर इज अनदर वेब मीटिंग, वहां भी कॉल अप कर रहे हो तो मुझे जाना पड़ेगा। धन्यवाद। जी सर, जी सर। प्रणाम सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी को अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है या कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज बोलें। हरिहर सर, आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है प्लीज? नहीं हाँ जी, हाँ जी सर। प्रणाम सर, बताएं सर। कुछ नहीं बताना अच्छा, आपका माइक अनम्यूट था ना, इसलिए मैंने सोचा। बत्रा सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? है। बस बस शशि मैम हो गया, अब दूसरा केस तो आइडिया ही नहीं जाएगा अंजना मैम वाला। कोई बात नहीं सर, पाठक सर आ गए हैं। हाँ हम अभी सेशन ओके बंद करते हैं, अब हम कल नए मूड से कल डिस्कस करेंगे। अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, 10 मिनट है तो अभी जल्दी कर देते हैं। आज बस अग्निकर्म का जो हुआ वो बस ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ प्रणाम रात्रि। सर, गुड नाइट अब सर। हम सुबह मिलेंगे 7 बजे। थैंक यू। जी जी सर, प्रणाम सर।